ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हमास के नेता को फोन करके पूछा है कि फिलिस्तीन अब क्या करने वाला है। ईरान खुलकर हमास के समर्थन में उतर गया है, दूसरी तरफ अमेरिका एक्टिव हो गया है। अमेरिका के टॉप एजेंट्स हर पल की रिपोर्ट राष्ट्रपति जो बाइडेन को भेज रहे हैं। तो चीन ने क्लियर कर दिया है कि वो चाहता है कि फिलिस्तीन एक आजाद देश घोषित कर दिया जाए। रॉकेटों की बारिश, मिसाइलों की विध्वंसक मार, जख्मी और लहूलुहान इज़राइल, कहां है अमेरिका? क्या इज़राइल को बचाने के लिए मैदान में उतरेगा अमेरिका? क्या वर्तमान हालात से लड़ने के लिए इज़राइल को हथियारों की सप्लाई भी करने वाला है अमेरिका? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का इज़राइल को लेकर दिया गया सबसे ताजा बयान देखिए। आगे बताएंगे कि दोस्त इज़राइल की रक्षा के लिए अमेरिका ने कौन सा सीक्रेट प्लान तैयार किया है। आतंकवादी हमलों के मद्देनजर इज़राइल को अपनी और अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। ये इज़राइल के किसी भी शत्रु के लिए इन हमलों का फायदा उठाने का वक्त नहीं है, दुनिया देख रही है। इससे पहले जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन समेत अपने राष्ट्रीय सुरक्षा दल के साथ कई बैठकें की हैं। अमेरिका एक्शन में है क्योंकि मध्य पूर्व में इज़राइल के बिना उसका अस्तित्व अधूरा है। अमेरिका इज़राइल का सबसे करीबी सहयोगी, सबसे बड़ा साझेदार और ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। हमास का हमला हो या हिजबुल्ला का अटैक, अमेरिका की तीखी नजर इज़राइल संकट पर है। लेकिन सवाल है कि अमेरिका इस वक्त इज़राइल को किस तरह से मदद कर सकता है या कर रहा है। मिस्र, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका इन देशों से संपर्क में है, लेकिन इन देशों ने तो हमास के हमले का समर्थन किया है। ये देश एक सुर में इज़राइल की निंदा कर रहे हैं। इज़राइल से इन देशों का अलग अलग समय पर अलग अलग मुद्दों को लेकर तनाव रहा है। ये सारे देश इज़राइल से बदला लेने की फिराक में रहते हैं और हमास के हमले के बाद इन देशों को इज़राइल से बदला लेने का मौका मिल गया है। लिहाजा अमेरिका इन देशों के संपर्क में रहकर बहुत बड़ा कुछ कर पाएगा, इसकी उम्मीद नहीं ही करनी चाहिए। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका इज़राइल को किस तरह से मदद पहुंचा रहा है, इसकी डिटेल आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले वो देखिए जिसे लेकर कहा जा रहा है कि इस युद्ध के लिए जो बाइडेन ही जिम्मेदार है। कहा जा रहा है कि जो बाइडेन ने कैदियों की अदला बदली के साथ ही ईरान के लिए जो 6 अरब डॉलर का फंड दिया, उसी ने इज़राइल पर हमास के हमले का रास्ता खोल दिया। ईरान हमास और हिजबुल्ला का समर्थन पैसा, ट्रेनिंग और शरण देकर करता है। ईरान के बिना इज़राइल पर हमले की हिम्मत और कुव्वत हमास में कतई नहीं है। लिहाजा अमेरिका में सवाल पूछा जा रहा है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस को सुनिए। ईरान ने इज़राइल के खिलाफ इस युद्ध में फंडिंग में मदद की है और जो बाइडेन की नीतियों ने ईरान के खजाने को भर दिया है।
इसकी तस्दीक कर पाना मुश्किल है क्योंकि पश्चिमी मीडिया में ये रिपोर्ट भी छप रही है कि ईरान को जो बाइडन ने जिस 6 अरब डॉलर का फंड दिया है वो पूर्ण रूप से मानवीय उद्देश्यों के लिए है। उसका इस्तेमाल युद्ध के लिए ईरान नहीं कर रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि ईरान इसराइल को बहुत सोची समझी रणनीति के तहत तबाह करने पर तुला है। आपको आगे दिखाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर क्या कहा, लेकिन उसके पहले सुनियोजित तरीके से इसराइल पर हमले की रची गई साजिश की डिटेल देखना जरूरी है, क्योंकि हमास के हमले की टाइमिंग सीधा इशारा कर रही है कि इसराइल पर पिछले 50 सालों में सबसे बड़े हमले की प्लानिंग फिलिस्तीन ने नहीं ईरान में रची गई। ईरान ने बहुत चालाकी से हमास का मुखौटा पहना और इसराइल के सुरक्षा सिस्टम को चकनाचूर करते हुए देश में घुस गया। मिडिल ईस्ट पिछले कुछ महीनों में शांति की ओर लौट रहा था। हाल के दिनों में इसराइल के साथ अरब मुल्कों के रिश्ते सामान्य हो रहे थे, लेकिन इस हमले ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में उथल पुथल मचा दी है। जिस गुटबाजी के खत्म होने के आसार नजर आ रहे थे वो अब फिर से मजबूत हुई है। इसराइल से अरब देशों के रिश्तों के नए चैप्टर से ही ईरान आग बबूला है। शांति स्थापित होती तो फिर फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचता। ऊपर से ऐसा होने पर ईरान को भी घाटा था क्योंकि वो मध्य पूर्व में अलग थलग पड़ जाता। यही वजह है कि हमास के हमले के बाद उसके समर्थन में आवाज उठाने वाले पहले मुल्कों में ईरान शामिल रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सऊदी अरब और इसराइल के बीच रिश्ते सामान्य करवाने में जुटा है। इसके बदले में सऊदी अरब को अमेरिका के साथ एक रक्षा समझौता करने का मौका मिलता। ऐसा होने पर सऊदी अरब और ईरान के बीच 16 के दरवाजे भी बंद हो जाते क्योंकि तेहरान वॉशिंगटन के खिलाफ रहा है। अगस्त में ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। सऊदी अरब अगर इसराइल के करीब जाता है तो इससे ईरान संग उसके सुधर रहे रिश्ते पटरी से उतर जाते, साथ ही साथ फिलिस्तीन का मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला जाता। ईरान फिलिस्तीन का कट्टर समर्थक रहा है, लिहाजा इसराइल सऊदी अरब की दोस्ती होती तो हमास और फिलिस्तीन चरमपंथी समूह का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता। ऐसा किसी भी हालत में नहीं होने देना चाहता। माना जा रहा है कि इसी के चलते हमास ने इसराइल को निशाना बनाया ताकि फिर से फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद हो सके। लेकिन मुद्दा सिर्फ फिलिस्तीन नहीं है, मुद्दा पूरा मध्य पूर्व है जहां चीन का भी इंटरेस्ट है और अमेरिका मध्य पूर्व में बढ़ते चीन के प्रभाव से भी आशंकित है। लिहाजा अमेरिका इसराइल पर हुए हमास के हमले का करारा जवाब जरूर देगा, क्योंकि ये मैसेज चीन को भी होगा कि अमेरिका ही एकमात्र देश है जो मध्य पूर्व में शांति स्थापित कर सकता है। ऐसा क्यों है पहले वो समझते हैं, उसके बाद दिखाएंगे। अमेरिका से इसराइल को भेजी गई मदद की सबसे बड़ी खेप की डिटेल क्या है? चीन ने इस साल मिडिल ईस्ट में अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाया है, सऊदी अरब और ईरान के बीच मध्यस्थता की और दोनों देशों के बीच रिश्तों की नई शुरुआत कराई। चीन ने ऐसा मध्य पूर्व में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया, लेकिन इसका साइड इफेक्ट अच्छा हुआ। सऊदी अरब ईरान की दुश्मनी के चलते एक नहीं, इराक, सीरिया, लेबनन, यमन और बहरीन सहित क्षेत्र के कई देशों की अस्थिरता कम हुई। अमेरिका शांति तो चाहता है, लेकिन कि शांति चीन के असर से पैदा हो वॉशिंगटन डीसी नहीं चाहता। इसीलिए अमेरिका ने सऊदी अरब और इसराइल को एक दूसरे के करीब लाना शुरू किया। बात बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस शांति बहाली को ईरान की नजर लग गई। नतीजा सामने है। इसराइल से फिलिस्तीन पर हुए सबसे ताजा हमले की तस्वीर देखिए। आगे दिखाएंगे कि पेंटागन में हमास के ऑल आउट के प्लान पर क्या विचार चल रहा है। अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, मदद कर रहा है, तो ये इसराइल को मजबूत करने से ज्यादा अमेरिका के लिए फायदे का सौदा है। मध्य पूर्व में खेले गए खूनी खेल के बारे में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें 3 देशों की हिस्सेदारी है। पहला, रूस, जिसकी हमास से निकटता की खबरें पश्चिमी मीडिया में खूब छपती हैं, और दूसरा ईरान का मामला तो खुला खेल फर्रुखाबादी वाला है। ईरान हमास को खुला प्रशिक्षण और राजनीतिक समर्थन देता है, जिसकी डिटेल आप देख चुके हैं। अब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने फोन पर हमास के नेता से बात की है। तीसरा देश है चीन, जिसके लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है चीन ने हमास को हमले की तकनीक बताई है। अमेरिका के कट्टर दुश्मन इन 3 देशों को एक साथ सबक सिखाने का जो बाइडन के पास अच्छा मौका है। इसराइल की पिच पर अमेरिका की अब की बैटिंग बहुत अच्छी रही है,
लेकिन अब की बार इसराइल ज्यादा मुश्किल में है, क्योंकि रूस, ईरान और चीन तीनों मिलकर मध्य पूर्व में बड़ा खेल खेल रहे हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इसमें तुर्की भी शामिल है। तुर्की ने पिछले महीने में हमास को हथियारों की सप्लाई की थी, लेकिन इसराइल ने इसे रोक लिया था। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन इतना तो फिलहाल तय दिख रहा है कि ये तीनों देश बहुत एक्टिव हैं। चीन ने जो सबसे ताजा बयान दिया है वो देखिए। शांति प्रक्रिया को लंबे समय तक लटका कर नहीं रखा जा सकता। संघर्ष को समाप्त करने का मूल रास्ता दो राष्ट्र समाधान को लागू करना और एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना करना है। मतलब चीन का कहना है कि ऐसे संघर्ष को तभी समाप्त किया जा सकता है जब शांति प्रक्रिया पर अमल हो। और ये शांति आएगी कैसे, तो चीन ने इसके लिए फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देने की बात कही है। चीन यहाँ भी इसराइल के हितों और अमेरिका की चाहतों के बीच दीवार बनकर खड़ा है। इसराइल फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से को अपना बताता रहा है। इसे लेकर लंबे समय से दोनों देशों के बीच संघर्ष चलता रहा है। लिहाजा चीन की फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश बनाने वाली शांति इसराइल के किसी काम की नहीं है। असल में चीन चाहता भी नहीं कि उसके शांति प्रयासों का मतलब ईरान के खिलाफ समझा जाए। इसराइल के जरिए वो अमेरिका को मध्य पूर्व से रुखसत करना चाहता है, और अमेरिका है कि इसराइल के लिए अपने हथियारों के भंडार खोलने में सेकंड भर की भी देरी नहीं लगाने वाला। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसराइल को $8 बिलियन की आपातकालीन सैन्य मदद देने को मंजूरी दी है। इसराइल को अमेरिका से मदद सिर्फ चाहिए नहीं, जल्दी चाहिए। बाइडन प्रशासन यही मदद पहुंचा रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ इसराइल, हमास या हिजबुल्ला का नहीं, सवाल है अरबों के 32 दांतों के बीच बसे इसराइल का, जिसका अर्ली वार्निंग सिस्टम 5000 रॉकेट हमलों की सूचना देने में नाकाम रहा। इसराइल अमेरिका की दोस्ती के किस्से आपको इंटरनेट पर भरे पड़े मिलेंगे, लेकिन इस रिश्ते का असली इम्तिहान अब आया है, जब ईरान और इसराइल जैसे दो परमाणु शक्ति संपन्न देश एक दूसरे के सामने हैं। अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, हमास और इसराइल का युद्ध में आगे क्या होगा, और बेन्यामिन नेतन्याहू इस सोची समझी साजिश के तहत किए गए हमलों का कितना मुंहतोड़ जवाब देते हैं, देखना दिलचस्प होगा। और इस बीच इससे भी दिलचस्प होगा कि अमेरिका इसराइल का कितना और कहां तक साथ देता है।